लिए 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी आलाकमान ने पंजाब से इन दो नेताओं के साथ ही शुक्रवार को उक्त चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से भारतीय निर्वाचन आयोग के सचिव को भेजे पत्र में लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये नेता 27 मार्च से होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 77(1) के तहत कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि इससे परे क्रिकेटर से नेता बने पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा ओहदा देने की तैयारी कर ली है। ये संकेत हाल ही में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला है कि आगे चुनाव आ रहे हैं, सिद्धू को ज्यादा देर खामोश नहीं रहने दिया जाएगा। सिद्धू ने ट्वीट किया इस बारे में। उन्होंने कहा कि शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती, कर्म ऐसे करो कि सुर्खियां भी अखबारों में छप जाए। इस ट्वीट से पहले सिद्धू ने पंजाब भवन में हरीश रावत के साथ चाय पर चर्चा की थी। रावत ने पूछा गया कि सिद्धू लंबे समय से खामोश है, तो रावत ने कहा कि उन्हें ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहने दिया जाएगा। पार्टी में बड़ा ओहदा या उप मुख्यमंत्री के पद के बारे में पूछे गए सवाल पर रावत ने कहा कि ये सब कुछ मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, इस बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह फैसला लेंगे। उल्लेखनीय है कि हरीश रावत मंगलवार को चंडीगढ़ लौटने के बाद शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह के उनके आवास पर मिले थे। इसके बाद उन्होंने पंजाब कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चाय पर चर्चा की और अटकलों को हवा दे दी है, जिसके अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में कोई बड़ा पद दे दिया जा सकता है। अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का ये फैसला हरीश रावत और सिद्धू की मुलाकात के बाद आया है, जिससे पंजाब के राजनीति में सिद्धू और अमरिंदर के बीच सही समीकरण बैठ सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।